उत्तर प्रदेश के अयोध्या और वाराणसी में बढ़ते पर्यटकों के साथ ही श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा पश्चात श्रद्धालुओं को अयोध्या में सुगम दर्शन करवाने के लिए परिवहन निगम ने बड़ा प्लान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन की तरफ से प्रत्येक आधे घंटे में बनारस से अयोध्या के बीच बसों के संचालन किए जाने की तैयारी है, तो वहीं प्रत्येक घंटे बनारस से अयोध्या के लिए एसी बसों को संचालित किया जाएगा। वहीं परिवहन निगम वाराणसी से अयोध्या के लिए प्राइवेट बसों की तरह बुकिंग किए जाने का भी प्लान तैयार कर रही है, जिससे यात्री अपने सुविधा अनुसार उक्त स्थान से अयोध्या दर्शन कर दोबारा अपने स्थान पर आसानी से पहुंच सके। वाराणसी परिक्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक प्रबंधक गौरव वर्मा ने वाराणसी और अयोध्या के बीच चलने वाले बसों को लेकर कहा कि अयोध्या और वाराणसी बड़ी ही तेजी से टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित हुआ है। इसको देखते हुए वाराणसी से अयोध्या के बीच यात्रियों की सुगमता को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्लान के तहत प्रत्येक एक घंटे के अंतराल पर एसी बसों के संचालन और प्रत्येक आधे घंटे के अंतराल पर नॉर्मल बस का संचालन करवाए जाने की तैयारी है। आने वाले समय में मांग के अनुसार इस समय को और कम करते हुए प्रत्येक 15 मिनट में एक बस का संचालन करवाए जाने की तैयारी है। विभाग के द्वारा टूरिज्म बस सेवा की शुरुआत की जा रही है, जिसकी बुकिंग लोग वाराणसी में अपने स्थान से अयोध्या और दोबारा अपने स्थान पर आसानी से पहुँच पाएंगे। अयोध्या और वाराणसी जो है फ्यूचर के लिए टूरिस्ट प्लेसेस के रूप में जनित हो रही हैं। इसको देखते हुए जो है अभी अयोध्या मंदिर का जैसे उद्घाटन के पूर्व हम लोग ये प्लान कर रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार कि हम लोग इस कनेक्टिविटी को और मजबूत करें। अभी जो प्रेजेंट कनेक्टिविटी है वो दिन भर में 3 से 4 बसें चलती थी, अब हम लोगों ने कनेक्टिविटी को करने के लिए हर एक घंटे पे एसी बस और आधे घंटे पे साधारण बस की सेवा उपलब्ध कराना शुरू किया है। इसके साथ साथ हमारा और अयोध्या क्षेत्र का समझौता इस पर करने के विचारात्मक है कि हम लोग इसको और कम करते हुए हर 15 मिनट में एक सुविधा यात्रियों को उपलब्ध कराएं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी प्लान कर रहे हैं कि यात्रियों को दर्शन कराने के लिए बनारस अयोध्या के बीच में एक बुकिंग सेवा उपलब्ध कराई जाए, जिसमें बुकिंग रूप में एक गाड़ी दी जाए, चाहे वो साधारण लिए चाहे 2x3 एसी या जनरल को लेकर आए, जो मॉर्निंग में वहाँ पर लेके जाए और शाम तक वहाँ पर टूरिज्म करा के वापस लेके आ जाए। इसको जो परवान निगम के नॉर्म से बुकिंग नॉर्म्स उसके हिसाब से अलॉट की जाएगी। सर कोहरा भी है, एक मिनट, क्या उनके घर तक बस से जाने की बात चल रही है जिन जो लोग हैं उनके लिए क्या? हम लोग दोनों टूरिस्ट प्लेस को जोड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग के यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि हम लोग का जो डिपो से बस निकली थी उनका जो स्पॉट होगा वहाँ से पिकअप करेगी और उनको डेस्टिनेशन तक लेके जाएगी, वहाँ से भी स्पॉट तक वापस लाएगी। तो हम लोग एक कनेक्टिविटी है कि उनको इजी नॉर्म्स दिए जाएँ कि इजी नॉर्म्स के थ्रू दोनों चीज़ों को जोड़ा जा सके और टूरिज़्म को बढ़ाया जा सके।